हेलो हेलो डियर अस्सलाम वालेकुम आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन शाइन वेलकम टू महेश लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर मजेदार व्लॉग आज सुबह 9 बजे से लाइट ऑफ थी और 1 बजे लाइट आनी थी तो मैंने फिर लाइट ऑफ में ही सनलाइट में ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट किया यहाँ पे मैं, मैं चाय बना रही थी 1 बजे लाइट आ जानी थी तो मैंने ग्रोसरी भी मंगवा ली आज मेरा मूड हो रहा था मिक्स वेजिटेबल बनाने का तो बस यहाँ पे मैं वेजिटेबल बनाने की तैयारी शुरू करने लगी थी यहाँ पे मैंने गाजरें और मटर निकाल लिए थे और आलू क्योंकि ऐट दैट टाइम ही कट करने होते हैं पहले कट कर... तो ब्लैक कलर हो जाता है आलूओं का इसलिए ऐट दैट टाइम ही ठीक रहता है यहाँ पे जी मटर भी मैंने निकाल लिए थे गाजरें कट कर ली थी प्याज भी कट कर लिया था बस अब पकाने की देर थी तो मैंने कहा जाती हुई सर्दियों में चलो एक बार फिर मिक्स वेजिटेबल बना लेते हैं रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर है आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी तो क्योंकि शाम में मैंने बाहर भी जाना था कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी तो मैंने कहा चलो टाइमली किचन का काम तो कंप्लीट हो ना तो अभी मैं कुकिंग कर ही रही थी तो यहाँ पे ना मैंने गाजरें थोड़ी सी ब्लेंड कर ली थी सुपरफेसली ब्लेंड की थी बिल्कुल ही टोटली ब्लेंड नहीं की थी ये थोड़ी थोड़ी ना आपको दिख भी रही होंगी बीच में नज़र आ रही हैं वो बाकी फ़्राई होते वक्त ना बिल्कुल ठीक हो जाती हैं तो यहाँ पे मटर डाल के आलू दही डाल के और आलू डाल के फिर उसको भून लिया था बस दम पे लगा दिया था और हंडिया हमारी रेडी हो गई थी बस अभी मैं हंडिया बना ही रही थी तो भाई आया भाई के फ्रेंड की तरफ से ना फ्रूट कस्टर्ड यानी कि फ्रूट ट्राइफल आया था तो ये मैंने फिर उसको भी रिकॉर्ड किया अच्छा लग रहा था मैंने अपने हमने खाने में रात में टेस्ट किया था तो बड़ा मज़े का बना हुआ था इसमें जेलीज भी डाली हुई थी ऊपर क्रीम भी डाली हुई थी गार्निशिंग की हुई थी ना बड़ा मजे का था भाई के फ्रेंड की तरफ से आया था ये देखे जी हम जब जाने लगे तो ये शाम का ना चार सवा चार साढ़े चार का टाइम है तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी अच्छा आज दिन में ऐसे हुआ कि धूप भी निकली हुई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी एक दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था लेकिन उस दिन धूप नहीं थी आज एक एक साइड पर सूरज नजर आ रहा था और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पे जी हम लोग निकल चुके थे आज मैंने जाना था अलफह कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और रास्ते पर से मैंने फिर ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिए मैंने कहा चलिए आज इकट्ठे चलते हैं बाहर आप लोगों को भी थोड़ी सी फैसलाबाद की सड़कें दिखा देती हूँ ये जी अलफेह की तरफ हम एंटर हो रहे थे अच्छा बाहर आज बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी ना कोई हवा चल रही थी ना ही कोई सर्दी थी और इनफैक्ट के फतेह के अंदर ना गर्मी फील हो रही थी बस फते से फिर मैंने ग्रॉसरी की है ग्रॉसरी करने के बाद मैं ताजमहल गई ज्वेलरी शॉप पे और मैं मुझे वहाँ पे याद ही नहीं रहा कि मैं वहाँ पे कोई क्लिप ही ले लूँ इतनी प्यारी प्यारी वहाँ पर ज्लरी थी मैंने भी कुछ ज्वेलरी पीसेस लिए बस वहाँ से फ्री हुए तो घर वापस आ गए ताजमहल से ना पहले भी काफ़ी बार ज्वेलरी बाय की हुई और इनकी ज्वेलरी बड़ी मज़े की बड़ी ज़बरदस्त होती है आप लोग भी ना ज़रूर इनकी शॉप विज़िट करना अच्छा घर जब वापस आया तो बी से मेरा एक पार्सल आया हुआ था मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर कर देती मैंने बी से ना मंगवाई थी मुझे चाहिए थी फुल स्लीवस की वाइट कलर की टी शर्ट तो मुझे नज़र आई तो मैंने ऑर्डर कर दी और थी भी टू थाउजेंड की थी इसकी एक्चुअल प्राइस और वन थाउजेंड में फिफ़्टी परसेंट है मुझे मिल गई और टू हंड्रेड इसके डिलीवरी चार्जेस से अभी भी सेल लगी हुई है आप लोग भी चाहो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो सेल्स तो भी हर तरफ ही चल रही हैं ये मैं फतेह से ना बिस्कोनी के डेढ़ ड्रीम बिस्किट्स लेके आई थी आजकल इनकी काफी एड चल रही थी कॉफी कुकीज हैं तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं वर्थ पाएंगे या नहीं बट वाकई वर्थ पाएंगे बड़े मजे का इनका फ्लेवर है कॉफी कॉफी का फ्लेवर आ रहा होता है और जो बीच में चॉकलेट है ना वो भी मड़ी मज़े की घर आए तो अबू ने बताया कि नेबर्स की तरफ से बिरयानी आई हुई है तो फिर बस हमने खाने के साथ बिरयानी भी टेस्ट कर ली देख की थी तो अच्छी बनी मैं खाना खा रही हूँ आप लोग फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर कर दें एंड वेलकम टू ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स बस जी आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना अपना इन्ना सारा ख्याल रखना टेक केयर अल्लाह हाफिज़